जिला बिलासपुर के कोठीपुरा में प्रस्तावित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। सबसे पहले एम्स के लिए चिन्हित एरिया को कवर करने के लिए बाउंड्री वॉल लगाई जाएगी, जिसका कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत HSCC ने दिल्ली की नामी प्रभु दयाल कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 17.31 करोड़ रुपए में सौंपा है। अगले 8 माह में इस कंपनी को बाउंड्री वॉल का कार्य पूरा करना होगा। खास बात यह है कि एम्स एरिया कवर करने के लिए लगाई जाने वाली 3 प्रकार की बाउंड्री वॉल में पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर इको फ्रेंडली लाइटों का इस्तेमाल होगा। HSCC के साइट इंजीनियर शिवम ठाकुर ने बताया कि बाउंड्री वॉल का टेंडर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चिन्हित एरिया के 10 किलोमीटर दायरे में बाउंड्री वॉल लगाई जाएगी। ये कार्य 3 प्रकार से किया जाएगा, यानी सड़क से ऊपर पहाड़ी वाले हिस्से में कॉमन विंग डालकर वायर फेंसिंग की जाएगी और सड़क से सटे एरिया को कवर करने के लिए बाहर से पत्थर डालकर चिनाई की जाएगी, जबकि सड़क से निचले हिस्से यानी पशुपालन विभाग के फार्म से निचली जमीन को कवर करने के लिए चिनाई व वायर फेंसिंग कर ग्रिल भी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य में फ्लाई एश से बनी ईंटों को प्रयोग में लाया जाएगा, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली होंगी। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर ये कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रभु दयाल कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कार्य शुरू कर दिया है और अभी एरिया कवर करने के लिए झाड़ियों की काट छांट की जा रही है। अगले 3 मार्च तक काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। डिजाइनर के हिसाब से एम्स में 750 बेड क्षमता होगी, जिसके तहत 300 बेड सुपर स्पेशलिस्ट, 320 बेड जनरल स्पेशलिस्ट, 30 बेड आयुष, 15 ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड आईसीयू, 50 बेड इमरजेंसी ट्रामा में उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन इत्यादि होंगे, जबकि लाइब्रेरी, डिस्कशन हॉल, एनिमल होल्डिंग एरिया, रिसर्च कॉमन, लेबोरेटरीज, एग्जामिनेशन हॉल, 750 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता वाला सभागार और 160 लोगों की क्षमता वाली धर्मशाला का निर्माण भी किया जाएगा। वॉल निर्माण के लिए HSCC इंडिया लिमिटेड को एग्जीक्यूटिव एजेंसी अपॉइंट किया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज रेवेन्यू की टीम ने हमारे साथ में ज्वाइंट इंस्पेक्शन की है और हमारा यह टारगेट है कि 10 से 15 दिन में हम इसकी टोटल डिमार्केशन और लेआउट वर्क कंप्लीट कर देंगे। ये बाउंड्री वॉल के कार्य को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो 4 किलोमीटर का जो अपर पार्ट रहेगा सड़क से ऊपरी हिस्सा, उसमें हम बार्ड वायर फेंसिंग लगाएंगे। 1.5 किलोमीटर के पार्ट में सड़क के साथ ब्रिक वर्क प्लस स्टोन क्लेडिंग और ग्रिल रहेगी और साथ ही साथ सड़क से नीचे वाले भाग में ब्रिक वर्क प्लस बार्ड वायर फेंसिंग रहेगी, जो कि 4 किलोमीटर का है और टोटल जो है ये 10 किलोमीटर है। जो विशेष इसमें यह रहेगा कि जो हम इंटों का जो प्रयोग जो हम करेंगे वो इको फ्रेंडली होंगी, फ्लाई एश ब्रिक्स रहेंगी और इसका जो कंपनी है प्रभु दयाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है जिसको इसका टेंडर दिया गया है और टेंडर कॉस्ट जो है 17.31 करोड़ रुपए है और इसकी ड्यूरेशन रहेगी 8 महीने की और हम यह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये बाउंड्री वॉल का प्रोसेस खत्म किया जाए। धन्यवाद।